हाउ टू क्रिएट एफिलिएट अकाउंट ऑन cg.com। कमीशन जंक्शन काफी बड़ा और काफी अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप कमीशन जंक्शन पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेसर है वो काफी लेंथी है, काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था जब भी वो अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाएंगे किस प्रकार से आप अपने कमीशन जंक्शन पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एट लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, माइसेल्फ रंजीत एंड यू आर वाचिंग रंजीत पाइपम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पेज का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच जाना। उसके बाद में सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका एफिलिएट अकाउंट नहीं है सीजे पे, तो आपको अगर एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड, ये सब डाल के आपको आई एम ए नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना और वेरीफाई मेल पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपके मेल पे एक ईमेल जाएगा और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने ईमेल में एंड देखता हूँ यहाँ पे एक मेल मिला है। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट माई सीजे पब्लिशर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सीधे क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर में जाओगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपल से कुछ स्टेप्स है उनको कंप्लीट करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। जैसे जैसे मैं स्टेप्स को कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको कंप्लीट करते जाना। यहाँ पे एज सर्टिफिकेट पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे अथॉरिटी वाले पे भी क्लिक कर देना। नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये अभी अनेबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे पब्लिशर सर्विस एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप दूसरे पेज पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आपको बैक चले जाना। बैक जाने के बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो एक स्टेप आपका एक्सेप्टेड हो चुका है। सेकेंड स्टेप ये है कि सॉफ्टवेयर पॉलिसी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से आप किसी दूसरे पेज पे पहुँच जाओगे। आपको सिंपली इन सभी पॉलिसीज़ को रीड कर लेना, उसके बाद में बैक चले जाना। बैक जाने के बाद में यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से आप किसी तीसरे पेज पे पहुँच जाओगे, उसके बाद में आपको रीड करके बैक ले लेना। बैक लेने के बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करके इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करना। यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कंटिन्यू टू अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने ईमेल डाला था स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करते टाइम, वो ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ईमेल वेरीफाई हो चुका है, पहला ऑप्शन कंप्लीट है। एंड सेकेंड यहाँ पे एंटर यूजर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐड यूजर इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद आप इस पेज पे पहुँच जाओगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड प्लस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हो चेकलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप चेकलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप एक दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये सारा का सारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे चेकलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देख पा रहे हो आपका दो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है।
जैसे आप एड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे आप एक और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसके थ्रू आप अपने इन जो प्रोडक्ट हैं इनके उनको आप प्रमोट करने वाले हो, ठीक है। वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मोबाइल ऐप, ब्राउज एक्सटेंशन, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिए जिसके थ्रू आप इसके सोशल मीडिया के थ्रू या पेड प्रमोशन के थ्रू जिस भी तरह से आप यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्लॉग मीडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेट टू प्राइमरी पे क्लिक कर देता हूँ एंड नीचे देख सकते हो पे पर कॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं नीचे आते हैं तो यहाँ पे नेम या और प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं रंजीत फाइपम रख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको डिस्क्राइब करना तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद में यहाँ पे दिस इज माय प्राइमरी प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑप्शनल टैग्स का ऑप्शन मिलता है, अगर आप यहाँ पे टैग इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर ऑप्शनल है आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बना रखी है, आप भी यहाँ पे आप चाहे जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस का साइन मिलता है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रॉस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे मेन जो पेज था उस पर पहुँच जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे तीन स्टेप्स कंप्लीट कर चुका हूँ, वैसे तो मैंने चार कर दिया क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन भी इसी में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो और भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है, इसको एक बार रहने देते हैं। नीचे आंसर नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आपको जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस प्रकार सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसको भी मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, नो पे क्लिक कर देना है एंड इसको भी आपको सेलेक्ट करना है एंड नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट आंसर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट आंसर पे क्लिक करोगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप एक नए पेज में पहुंच जाओगे। नए पेज में पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड ध्यान से देखना कि क्या क्या इसमें करना रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे एडिट के दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट करना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, ओरिजिनल नेम, एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ यहाँ पे डाल के, करेंसी भी आपको यहाँ पे पुट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको पुट कर लेने में, यहाँ पे USD इसको रहने देता हूँ एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। सेकंड एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पे आपको पासवर्ड पुट करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में से आपको पहला यहाँ पे W9 चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अपना नाम देना है, जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बिजनेस टाइप जो भी पूछा गया सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड सारा का सारा यहाँ पे पुट करना है। सोशल सिक्योरिटी नंबर में आपको 9 डिजिट का कोई भी यहाँ पे नंबर रख देना है। उसके बाद में नीचे आके यहाँ पे आए इसको एग्री कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एंटर इज साइन ई सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, इस पे यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना टेक्स्ट का यहाँ पे फिल कर सकते हो जो भी फॉर्म है आपका। उसके बाद में यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर, टेक्स्ट फॉर्म फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है एंड बैक चले जाना है। जैसे आप बैक जाओगे तो आप फिर से उस पेज पे पहुंच जाओगे जिससे आपने यहाँ पे एंट्री की थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप रहा है, वो है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपली ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आप सिंपली इस पेज पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उस कोड को पुट करने के बाद में यहाँ पे फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कोड पुट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करना है जितना आप विड्रॉ करना चाहते हो। मतलब इस अमाउंट के ऊपर आने के बाद में आप अपना मनी अपने अकाउंट में ले सकते हो। मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ, $50 मिनिमम रख देता हूँ कि इतने मेरे यहाँ पे अकाउंट में होने के बाद में मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये पैसे आने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे USD रहने देता हूँ। उसके बाद में अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेविंग अकाउंट ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट कोड अपना डाल देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे बैंक होल्डर नेम आपको देख लेना है कि सही है कि नहीं। मैंने अपना यहाँ पे नाम दे रखा है, जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे देख लेना है कि सही है कि नहीं। एंड यहाँ पे मैंने SBI बैंक रख रखा है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मेरे सारे के सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे चेक लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं चेक लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेरे यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट एक्टिव का ऑप्शन मिलता है, एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ ही समय में देखेंगे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे मैं गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड थोड़े ही समय में देखते देखते ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से आप CJ यानी कमीशन जंक्शन पे आप अपना अकाउंट एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरा इंटरफेस खुल चुका है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना CJ एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब इस वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर से कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।